नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली चुनावी आचार संहिता को लेकर, तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए छात्र सड़कों पर उतर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो PNB प्रयागराज के माध्यम से किया जा रहा हो या फिर SCERT लखनऊ के अंदर या फिर इको गार्डन के अंदर। और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो उनके माध्यम से बयान और जानकारियाँ तो दी जाती हैं, लेकिन विज्ञापन को लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा भी। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों की तरफ से जो अपनी आवाज है बुलंद की जा रही है, पहले आप सभी छोटा सा वीडियो देखें, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। तो आप अपनी समस्या बताइए कि क्यों आप धरना दे रहे हैं। हम सब DLED प्रशिक्षित हैं और हम सबकी संख्या प्रदेश में 21 लाख है। अच्छा। हमें सरकार द्वारा DLED BTC का कोर्स, अन्य प्रशिक्षण कोर्स करा करके प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में चयनित किया जाता है और प्रदेश सरकार द्वारा लाखों पद खाली होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। आज 3 साल से जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। आज प्रदेश सरकार हम सबको 3 साल से प्रताड़ित कर रही है, हमारे द्वारा, साथियों द्वारा, भाजपा कार्यालय, विधानसभा और SCERT या शिक्षा मंत्री आवास, हर स्तर से घेराव किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इसके तहत आचार संहिता लगने के लिए कुछ ही दिन शेष है, जिसके लिए हमारे साथियों द्वारा और अनवरत धरने पर इस खुले स्थान पर ठंडी में भी हम सब बैठकर सरकार से हक मांग रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हम सब की सुन नहीं रही है। अगर सरकार चंद कुछ दिनों में नहीं सुनेगी तो हम सब लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार तब भी नहीं सुनी और हम सबको बेरोजगारी कर्तन से झला रही है, इस प्रकार अगर 2022 में भी हम इनकी कुर्सी छीन कर बेरोजगार करने काम करेंगे। हमारे साथ, हमारे साथ 21 लाख साथी हैं और उनके साथ उनका जुड़ा हुआ परिवार, और जहां भी एक बड़ा वोट बैंक गिरेगा ना तो वहां पर सरकार बन जाती है। युवाओं से रोजगार जाना होगा, जाना होगा, युवाओं से रोजगार, युवाओं से सरकार मजबूर हो जाती है। देखिए मैम, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, बात को समझिए। तो हमारे लिए अगर सरकार कार्य नहीं करेगी तो ऐसी सरकार को हम हटाना ही मंजूर करेंगे, हटा देंगे सरकार, बिल्कुल। क्योंकि वोट बैंक, देखिए हर खेल होता है वोट बैंक का, ये हम सभी जानते हैं और हम ये पढ़ते भी चले आए हैं। अगर सरकार अपना फायदा देख रही, निजी स्वार्थ देखेगी, क्या हम अपना निजी स्वार्थ नहीं देखेंगे? हम बिल्कुल देखेंगे। हमें 21 लाख की संख्या, हम वहां पर जाके अपने परिवार को भी बताएंगे, वो भी वोट नहीं देंगे। जब हमारा परिवार किसी समाज में खड़ा होगा वहां पर बताएगा इस सरकार ने हमारे बच्चे को रोजगार नहीं दिया है, तो वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक अच्छा खासा लाख करोड़ों का जो है वोट बैंक वो उनके हाथ से चला जाएगा। जो लोग हम लोग दंश झेल रहे हैं, मैं खुद मुख्यमंत्री जिले से हूँ, गोरखपुर से मैं आया हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जिले से आए हैं, उसके बाद भी आपकी जो है कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के गढ़ से आए हैं ये भाई साहब, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी जो है इनकी कार्य जो समस्या है वो सुन नहीं रहे हैं। क्या समस्या है भाई जी? मैडम, समस्या तो ये है कि बेरोजगारी का है। हाँ। बेरोजगारी का समस्या, सरकार ने तो कहा है 4.5 लाख। मैडम, जब ये आंकड़ा सुनने में आता है, तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि आज की तारीख में भी लखनऊ के अंदर एक बड़ी कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन को लेकर मुहिम वो चलाई जा रही है। हालांकि इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी नज़र आ रही है वो है छात्रों की संख्या।
छात्रों की संख्या कहने की बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन छात्रों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आगामी भविष्य के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर एक और बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जहां पे उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में छात्र यहां मौजूद होंगे। और ये धरना प्रदर्शन तभी समाप्त होगा जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। छात्रों का कहना है कि पहले सुपर टीईटी को लेकर सरकार स्पष्टीकरण दे, उसके बाद में यूपी टीईटी को लेकर छात्रों को गुमराह किया जाए, क्योंकि पहले छात्रों को यूपी टीईटी के लिए गुमराह किया गया। जैसे जैसे यूपी टीईटी आगे बढ़ता गया, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो कम होती गई। वैसे ही अब यहाँ से कहने की मांग की जा रही है कि पहले यूपी टीईटी नहीं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 20 से 25 दिनों का समय शेष है नई आचार संहिता लग जाने से। पहले अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो यहाँ पर योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा। छात्रों का कहना है कि ना तो वो कहने की सरकार को वोट देने वाले हैं, ना ही किसी सरकार की अगर बात की जाए यहाँ से सपोर्ट करने वाले हैं। उनका कहना है कि उनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रोजगार का है, रोजगार मनरेगा वाला नहीं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सरकार को कहने की एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आगामी भविष्य के अंदर 20 से 25 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। और अगर वो कहने की 20 से 25 लाख अभ्यर्थी यहाँ से किसी भी सरकार की तरफ रुख करते हैं तो सीधे तौर पर कहने की उस सरकार को बेनिफिट मिलेगा और दूसरी सरकार को नुकसान भी होगा। इसी तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं, जैसा कि आप सभी यहां से भी सुन सकते हैं। बातें नहीं मानी जाएगी तो योगी जी को जानी होगी, मठ में फिर से वापस जानी होगी। हम भी चाहते हैं कि 14 तारीख को जो है यहाँ पे आ रहा धरना चलेगा। 14 तारीख को काफ़ी प्रशिक्षित लोग भी आगे आए हैं, हम लोगों का सपोर्ट करें ताकि सरकार को ऐसा लगे कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो लग रहा है कि योगी सरकार को कि बच्चे जो है हम जो 21 लाख प्रशिक्षु हैं जो है इसका भुगतान उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है हम लोग को ऐसे वोट देने लायक तो है ही। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हम देंगे तो उनको पता चलेगा कि वोट कहाँ जाएगा, और उनकी सरकार जब आगे आएगी कि नहीं आएगी उसको उन पर मंथन करना चाहिए सरकार को। इस बारे में क्या लगता है कि कौन सी सरकार, अगर आप कहते हैं ये सरकार नहीं सुनेगी तो क्या लगता है इसके बाद कौन सी सरकार होगी जो आपकी बातें सुननी चाहेगी और इस समस्या पे जो है काम करेगी? जिसका एजेंडा रोजगार का होगा, जो युवाओं के लिए एकदम लिखित रूप से घोषणा पत्र में रोजगार का और सीटों पर बात करेगा, वही सरकार हमारी है, क्योंकि युवा को रोजगार ही चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हमारी बहन बेटियां हैं यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं रोजगार के लिए। आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद ये लोग डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो पढ़ाई पे लानत है। तो आपको क्या समस्या है आप हमसे बताना चाहेंगे? मैम, हम लोग मैं भी औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। औरैया से जी, हम लोग भी 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं की है, और हम लोग लगातार कोचिंग पे कोचिंग करते जा रहे हैं, कभी इधर कोचिंग कभी उधर कोचिंग, लेकिन हमारी कोचिंग व्यर्थ है। अगर जब तक हमको वैकेंसी नहीं रहेगी तो हमारा कोचिंग करना क्या मतलब है? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। अच्छा, आपको आप कुछ कहना चाहें? तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की अपनी मांग है कि हमने बीएड और बीटीसी तो कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करवाई जा रही है। पिछले 3 सालों से लगातार छात्रों को कहने की आश्वासन मिले हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि आचार संहिता से पहले शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कब तक बयान जारी करती है और छात्र कब तक यहाँ से अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे। जीत किसकी होगी वो तो उम्मीद है कि छात्रों की होनी चाहिए, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करें तो यहां से बहुत जल्द आपको सफलता मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, फ्लैश वीडियो के माध्यम से नहीं, जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।